रक्त शोधक भी है, जिनको बहुत ही ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन की परेशानी वालों के लिए यह एक अमृत है, रामबाण है। मुझे बहुत सारी ऐसी घटनाएं याद हैं पहाड़ों में, आज भी कई सारे स्थानों पर यदि किसी भी तरह की भयानक चर्म रोग की स्थिति होती है, तेल में इसके दूध को थोड़ा सा मिला करके उस जगह पर लगा देते हैं। हालांकि यह लगती बहुत है, यदि बहुत खाज है, खुजली है, एक्जिमा है, चंबल है, उसमें आप इसके दूध को थोड़ा सा दूध, आप 4-5 बूंद दूध को थोड़ा 1-2 चम्मच सरसों के तेल में उसको मिला लें, थोड़ा उंगली से अच्छी तरह से मिला करके रुई के फवा से अपने शरीर के अंग पर आप लगाइए और आप पाएंगे त्वचा रोग से मुक्ति। यह एक बहुत ही गुणकारी और बहुत ही दिव्य प्रयोग है। आप देख रहे हैं इसमें ये जो पत्तियां हैं, इसमें भी दूध निकलता है, आप ये देख सकते हैं ये दूध बहुत होता है इसमें। तो ये जो इस पत्ती में से अभी, क्योंकि यह वर्षा काल है, अभी सारी हरियाली और चारों तरफ वृक्ष मुस्कुरा रहे हैं, खिल रहे हैं, पर जब ये पत्ता थोड़ा सा पूरा ना हो जाए, पीला पड़ जाए, इस पत्ते को आग में थोड़ा सा गर्म करके उसको निचोड़ करके यदि 4-4 बूंद कान में डाल दें, कर्ण रोगों के लिए, कितनी भी भयानक कान की समस्या हो उसके लिए यह दिव्य बहुत ही गुणकारी औषधि है। और इस गुण के प्रयोग अभी डॉक्टर चोपड़ा, जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर बहुत काम किया, एक एलोपैथिक बहुत बड़े रिसर्चर थे, उन्होंने भी यह गुण इसमें पाया कि इसके पत्तों के अंदर दर्द को दूर करने की इतनी प्रबल शक्ति है कि इसके रस को निचोड़ करके कान में डालते ही कान का दर्द हमेशा के लिए